जनताल का देख रहे सभी दर्शकों को पंकज कुमार का नमस्कार। इस समय हम तहसील परिसर में मौजूद है जहां पर किसान पहुंचे हैं। इस समय कुछ मीटिंग चल रही थी, जो एसडीएम हैं इंद्री के, उनके साथ मीटिंग चल रही थी। और क्या कुछ मीटिंग में रहा, जो किसान पहुंचे हैं अपनी समस्याओं को लेकर के आज यहां पर पहुंचे थे। जो एक कमेटी बनाई गई है, जो शुगर मिल की कमेटी बनाई गई है, उसको लेकर के जो किसानों की समस्याएँ थी, चाहे भाव को लेकर के, चाहे पेमेंट को लेकर के, या फिर तोल को लेकर के, जो भी समस्याएँ इस समय किसानों को आ रही थी और जो कमेटी का निर्णय लिया गया था, उसी को लेकर के आज ये किसान एसडीएम इंद्री के पास पहुंचे हैं। और क्या कुछ समस्याएं रखी गई हैं, वो जानने का प्रयास करेंगे। समय जो कमेटी के सदस्य हैं उनसे एक बार जान लेते हैं कि क्या कुछ बताना चाहेंगे। आज एसडीएम साहब से मीटिंग हुई है, क्या कुछ मीटिंग हुई, क्या कुछ आपकी मांगे थी और क्या थी? आज जो मीटिंग हुई वो बड़ी अच्छी रही है। पैन मैनेजर साहब भी आए थे और करनाल से भी अकाउंट साहब आए थे और सभी किसानों की बारी बारी सारी समस्याएँ सुनी गई और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया भाई हम आपको बिल्कुल नाराज़ नहीं होने देंगे, आपकी समस्याओं को सुलझाएंगे। और कैन मैनेजर साहब से ये भी बात हुई बादशाह लाड़े से भाई हमारी पेमेंट कब होगी, तो उन्होंने पेमेंट का भी आश्वासन दिया भी जल्दी इसी हफ्ते में जो है अगले हफ्ते में पेमेंट शुरू कर देंगे। बल्कि हमने कहा जी आप इसको कम से कम 20 दिन की पेमेंट करो एकदम, तो बाकी वो कहने लगे जी अभी मैं सलाह करके बताऊंगा और शायद है अगले हफ्ते में पेमेंट हो जाए। गन्ने के भाव की अगर बात करें तो उसमें क्या कुछ बताया? गन्ने के भाव के लिए 25 तारीख को हर शुगर मिल के आगे पूरे हरियाणा के अंदर 1 घंटे का सड़क जाम, संकेतिक सरकार को आंदोलन का संकेत दिया जाएगा। अगर तब भी सरकार नहीं मानी तो 25 के बाद फिर पूरा आंदोलन का वो फैसला लिया जाएगा, वो संयुक्त मोर्चा लेगा। अलग से और भी कोई समस्याएं रखी गई हैं ताकि किसानों को कोई गन्ना गिरते समय या कुछ ऐसी दिक्कत? ये तोल की भी थी, कई कांटे गलत थे, मील के अंदर भी कांटे में थोड़ा बहुत फर्क है, वो उन्होंने सारा आश्वासन दे दिया भी जैसे आपकी संतुष्टि हो वैसे आप कांटे को चेक करवा सकते हो, किसी से भी करा सकते हो, सेंटरों पर भी आप छापे डलवा सकते हो और हम साथ चलेंगे। और भी किसान मौजूद हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। मीटिंग में आज जिस तरीके से कई निर्णय लिए गए हैं, कोई किसानों को समस्याएं आ रही थी, तो एक बाहर का जो गन्ना है पहले भी समस्या उठाई गई थी, सांकेतिक धरने थे, तो उनको लेकर के क्या कहेंगे, कुछ उस पर हल निकला है? आज जो बाहर का गन्ना था या कोई बॉक्स बॉन्डिंग थी, इन सब पर भी एक कमेटी बना दी जाएगी। उस कमेटी के अंदर जो सरकार के अफसर होंगे, एसडीएम द्वारा नियुक्त ये कमेटी उसके ऊपर पूरी कार्रवाई करेगी। तो इससे जो बॉक्स बॉन्डिंग आया या आउट एरिया की दिक्कत है और जो पेमेंट है, पेमेंट भी समय पर चालू हो जाएगी, इसलिए ये सब बातें मीटिंग के अंदर रखी गई। तो कुछ जैसे कई मील ऐसे हैं जिनकी पेमेंट अभी बकाया है किसानों की, तो उसको लेकर के कुछ कहेंगे, कुछ बातचीत हुई है इस बारे में? नहीं, हमारा जो मेनली मुद्दा तो था अपने शुगर, जो बादशाह शुगर मील है, इसी की पेमेंट को लेकर था। अन्य मीलों की पेमेंट तो शुरू हो चुकी है, यही पेमेंट मील सबसे लेट है, इसलिए इस मील को जल्दी से जल्दी किसानों की पेमेंट करने के लिए एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया है, अभी हम जल्द शुरू कराएंगे। किसान जो इस समय मीटिंग लेकर के अभी एसडीएम साहब से जो मीटिंग हुई है उसके बाद जो निर्णय लिए गए हैं और क्या कुछ फैसले रहे थे, वो भी जानने का प्रयास करेंगे। जसबीर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जसबीर जी, आज मीटिंग में कुछ अहम जो मांगे थी उनका कुछ हल निकला है? आज एसडीएम साहब ने मीटिंग ली अभी मील प्रशासन की तरफ से और करनाल शुगर मिल की तरफ से भी यहाँ पर अफसर आए थे और एसडीएम साहब ने अभी एक जस्ट कमेटी नियुक्त की है जो बॉक्स बॉन्डिंग पर नज़र रखेगी और जो आउट एरिया गन्ना आ रहा है और जो शुगर मिल के कांडों में जो फर्क देखने को मिल रहा था पिछले दिनों, उसके लिए भी सामान्य कमेटी गठित कर दी है जिसमें हमारे CDPO जो गन्ना डिपार्टमेंट के उनको बनाया गया है मिल की तरफ से भी हैं और हमारे SDM साहब ने जो कमेटी के सदस्य नियुक्त करे हैं अभी वो किए हैं, उसमें वो जल्द ही उस पर एक किसान भी होगा उसके साथ कमेटी के साथ, तो जैसे ही वो छापेमारी शुरू कराएंगे और जो बॉक्स बॉन्डिंग है उनका पूर्ण आश्वासन एसडीएम साहब ने दिया भी उनको तुरंत प्रभाव से बंद किया जाएगा और उनके पास जो भी कानूनी कार्रवाई बनेगी वो कानूनी कार्रवाई एसडीएम साहब ने कहा है भी हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो किसानों के ये भी आरोप थे कि कहीं फर्जी अकाउंट बने हुए हैं तो उसमें जो है उनका एक भी किल्ला गन्ने का नहीं है और उसके बाद उसके लिए कभी उसी की वजह से अपना ADO साहब को जो गन्ने डिपार्टमेंट के ऑफिसर लगाए हैं तो वो पूरी इंक्वायरी करने के बाद उसके ऊपर कार्रवाई कराएंगे, एसडीएम साहब ने आश्वासन दिलाया और मील प्रशासन ने भी कहा है भी हम उन बॉन्डों को तुरंत प्रभाव से जो भी हमारे पास लिस्ट आएगी हम उनको तुरंत बंद कर देंगे।
जो भी कानूनी कार्रवाई बनेगी वो कार्रवाई कराएंगे। तो शुगर मिल भादशो की अगर बात करें तो उसमें किसानों ने समस्या उठाई थी कि कंटीन की और व्यवस्था नहीं है, जो चाहे सड़कों की बात करें तो इन मुद्दों पर भी कुछ बात। हाँ, इन मुद्दों पर भी बात हुई है। मिल प्रशासन ने कंटीन का अभी आश्वासन दिया है SDM साहब को भी, वो कंटीन सुचारू रूप से चालू कर दी है हमने और वो चल रही है। तो दे सकते हैं समय जो किसान पहुंचे हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि जो भी किसानों की समस्याएं होंगी या शुगर मिल से जो गन्ना गेरते हैं उसमें जो भी समस्याएं होंगी, SDM साहब से अभी मीटिंग करके जो किसान पहुंचे हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि चाहे आउट एरिया के गन्ने की बात करें, पेमेंट की बात करें या फिर भाव की बात करें या फिर अन्य जो भी समस्याएं हैं, जो किसान गन्ना लेकर के पहुंचते हैं उनकी जो भी समस्याएं होंगी वो उनको हल कराने का प्रयास किया जाएगा। कमेटी गठित कर दी जाती है जो उपायुक्त हैं, जिला उपायुक्त हैं उनके द्वारा, और भादशो शुगर मिल की जो कमेटी इस समय बाहर पहुंच चुकी है और उनसे हमने जानने का प्रयास किया जो किसानों की समस्याएँ उनको किस तरीके से उठाया जाएगा और क्या कुछ आगे की रणनीति रहेगी। जो 25 दिसंबर की बात करें तो 25 दिसंबर को 1 घंटे के लिए सांकेतिक धरना दिया गया है उसको। हाँ जी, 25 तारीख को सभी भाइयों से, सभी हल्कावासियों से, गन्ना वासियों से, जितने भी गन्ने के ओनर हैं सबसे रिक्वेस्ट है कि 25 तारीख को भादशो शुगर मिल के आगे आएँ। इंद्रिय हल्के के सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर के रोज प्रकट करें ताकि आपको 2 पैसे दाम और बढ़ के मिल सके। चलो, ये भी जो 25 दिसंबर को जो किसानों द्वारा धरना दिया गया है जाम लगाने के लिए 1 घंटे के लिए बोला गया है, लेकिन एक बात जानना चाहेंगे भाई साहब, भादशो मिल ही क्यों ऐसा है जो भुगतान के लिए लेट होता है? जो ये भादशो मिल, ये प्राइवेट कंपनी का एक मिल है और प्राइवेट इसलिए तो जो आज तक किसान सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे इसी वजह से कर रहे थे कि आप हमें प्राइवेट हाथों में बेचना चाहते हैं। हमारे एरिया के अंदर एक ही प्राइवेट मिल है और इसी से किसान लगभग 1-1.5 महीना गन्ना डालते होंगे। आज तक किसी को कोई पैसा नहीं मिला। किसान को लेबर को भी पैसा देना हुआ, किसान को अपने बच्चे भी पढ़ाने हुआ, किसान को अन्य भी बहुत सारे खर्चे होते हैं जैसे कोई किसी को ब्याह करना, शादी करना, और किसान को आज तक एक एक किसान ने कम से कम, किसी ने 10 लाख का गन्ना डाल दिया, किसी ने 5 लाख का डाल दिया और 1 भी रुपया आज तक नहीं मिला। तो ये किसान के साथ ही अन्याय क्यों? इसलिए हम तो यही चाहते हैं कि किसानों की जो पेमेंट है तुरंत की जाए। एक बात जानना चाहेंगे प्रधान जी आपसे, जो मिल में दवाइयां दी गई थी वो नकली बताई जा रही थी और उसके बाद भी उनको जो उपयोग कर रहे थे और सही तरीके से वो उनका इस्तेमाल जो है नहीं हो पा रहा था, क्या कहेंगे उसको? दवाई नकली थी, हमने सैंपल भरवाए, सैंपल पैसे दे के ना पास करवा लिए। कंपनी का काम हो तो कुछ भी कर लेंगे, हमने थोड़ी पैसे दिए, हमारे पास पैसे देने ना अपने खातर नहीं, हम तो कहाँ देंगे। वो तो अपने पास करवा लेना, पास हो गया जो कुछ कागज कार्ड बन गया बन गया। अति इसलिए है भाई, सैंपल डुप्लीकेट दवाई है जो पहले काम कर रही थी रेगुलर, वो 3 साल से काम ही नहीं कर रही, तो वो डुप्लीकेट हुई क्या हुई? काम क्यों नहीं कर दी? वो डुप्लीकेट है जी, भी नहीं कर दी जो ओरिजिनल काम कर दी। वो तो इस तरह के जो कार्य हो रहे हैं इन पर सरकार को निगरानी रखनी चाहिए। नहीं, सरकार को तो आंखा नीचे बैठी देख दी नहीं भी कोई कर रहे, उनका गोजी में चले जाए सामान, हमारे वो जिमानदा नहीं कुछ भी, जब उनकी गोजी में पहुंच गया जेब भर गई तो काम हो गया पूरा तैयार है सारा। कार्रवाई की मांग करोगे? कार्रवाई की तो हर बार मांग करा, हर ज्ञापन में, हर जहाँ पे जिसके भी आगे पहुंचा हूँ आप मांग करा कार्रवाई, कोई करता ही नहीं है। प्रशासन भी अंक मुझ बैठे, सरकार भी अंक मुझे बैठे। तो देख सकते हैं किसान जो है नाराज भी हैं और जो उनकी मांगे हैं उनको लेकर के आज जो एक बैठक भी हुई है और बैठक में जो निर्णय लिए गए हैं, जो इंद्री के SDM हैं राजेश पुनिया जी, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ बताना चाहेंगे इस मामले को लेकर के। तस्वीरों में बने रहे और खबरों को लाइक और शेयर करते रहे। हमारे साथ इंद्री के SDM राजेश पुनिया जी जुड़ चुके हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे और निगरानी कमेटी के इस समय जो शुगर मिल है उनके चेयरमैन भी हैं। सर, आज किसानों के साथ मीटिंग हुई आपकी, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? कुछ इशू थे तो मिल की तरफ से GM साहब भी आ गए थे, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि भाई कोई हमारे जमींदारों को, किसानों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पहले हमारे किसानों का गन्ना है उसकी परचेज होगी और उसके बाद फिर कोई पेमेंट का कुछ इशू था तो उन्होंने इंश्योर किया है कि भाई वो दे देंगे, अभी शुरू कर देंगे पेमेंट। गन्ने के भाव को लेकर के कुछ बात नहीं? गन्ने के भाव को लेकर के इस मीटिंग में कोई बात नहीं हुई। कोई बाहर के गन्ने की बात की जा रही थी? नहीं, ये दो इशू थे कि एक तो जो कोई जो उनके धर्म काटा है जो भी काटा उसमें कुछ शो थी तो उनको कह दिया चेक करवाएंगे वो
कमेटी ही मिलके साथ में जीएम साहब जाएंगे, साथ में हमारे डिपार्टमेंट के 3 आदमी कमेटी बना दी, वो जाके चेक करेंगे उसमें किसानों को कोई अलग समस्या ना हो उसके लिए कुछ कहें। हाँ, उनके लिए बिल्कुल, मिल को भी वो कहा गया है कि भाई हमारे किसानों को किसी तरह की समस्या नहीं आनी चाहिए, और किसानों से भी कहा गया है कि भाई मिल के वो निगरानी रखेंगे, जो भी अगर उनकी कोई समस्या है तो तुरंत बताएं, उसका शॉर्ट आउट करें। 25 तारीख को ये सांकेतिक धरना दे। हाँ, सांकेतिक धरना है, उन्होंने बताया आज हम कि सांकेतिक 1 घंटे का पूरे हरियाणा में ही सांकेतिक धरना है, वो अपने तरीके से पीसफुल तरीके से वो उसको करेंगे। आपने सुना जिस तरीके से किसान की एक मीटिंग होती है एसडीएम ऑफिस में और किसानों की समस्याएं रखी रख जाती हैं, जो शुगर मिल के कमेटी बनाई जाती है ताकि किसानों को गन्ना गिरते समय या जो पेमेंट को लेकर के समस्याएं आ रही थी उनको लेकर के हमने खास बातचीत की है इस समय किसानों से, और इंद्री के एसडीएम जो निगरानी कमेटी के समय जो शुगर मिल के चेयरमैन बनाए गए हैं ताकि किसानों को किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़ रहा है। मैं अपने सहयोगी के साथ इस समय इंद्री से पंकज कुमार।